जी हां, गुना जिला तहसील राघोगढ़ भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रकाश मीणा राघोगढ़ जब अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने पहुंचे तो वहां मौजूद महिला कर्मचारी ने भाजपा नेता को कोविड-19 वैक्सीन लगाने से इसलिए मना कर दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निशान वाला मास्क अपने चेहरे पर लगाया हुआ था। ड्यूटी पर मौजूद महिला ने भाजपा नेता से कहा कि आप पार्टी का मास्क लगाकर आए हो, इसलिए हम आपको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अगर इसकी जगह आप सादा मास्क लगाकर आते तो आपको कोरोना वैक्सीन लगाते। भाजपा नेता प्रकाश मीणा ने एक वीडियो जारी कर और भी कई आरोप राघोगढ़ के नेताओं पर लगाए हैं। दोस्तों, तो गुना जिला ब्यूरो चीफ राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। वैक्सीन लगवाने गया था मैं और मेरी पत्नी के साथ, हम दोनों गए थे। एक घंटा लाइन में लगने के बाद जब हमारा नंबर आया तो मैं, यह मास्क भारतीय जनता पार्टी का है, इसी को लगा के गया था। तो ज्योति कश्यप नाम की मैडम ने कहा कि यह मास्क पार्टी का है, इसको क्यों लगा रखा है, कोई नया मास्क नहीं मिला। मैंने कहा पार्टी ने बांटे थे, हमारे पास यही है, हमने और लोगों को भी दिए हैं, इसमें कौन सी बुराई कि इसको उतारने के बाद ही लगाऊं। तो मैं बगल खड़ा हो गया, मेरा नंबर आया, उन्होंने जो है नहीं लगाई वैक्सीन, और बहस करती हुई मैं बैठा रहा। मैं और मेरी पत्नी दोनों एक घंटा तक इंतज़ार किया, इसके बाद हम उठकर आ गए और ऑनलाइन हमारा वैक्सीन हो चुका है, और हमारे आधार कार्ड भी ले लिए थे। कंप्यूटर वाली मैडम ने उनको चढ़ा दिया था